No. Yes, boss. Yes, boss. Yes. Pyari kya baat karega? Pyari hai na. Same. Ungli ma pungli ungli. हमको छोड़ देता मालिक, हम लफाओं की गलती कर दिया। ये ड्रैगन फ्रूट कहाँ बागान में लगा आपने? मैं बाहर लगाया। बाहर बालकनी में? नहीं देखा उधर में। मैंने नहीं देखा। बालकनी में भी यार इन्होंने पूरा बागान लगा रखा है। यार यहाँ पे मौसम ही ऐसा होता है, कहीं भी लगाओ कुछ भी लग जाता है। कौन सा वाला होता? ये ड्रैगन फ्रूट। ये ड्रैगन फ्रूट होता भाई। हाँ। मैं इसको देख के मेरे को लग रहा था ये वो है, क्या होता है? एलोवेरा नहीं, कैक्टस। सही में मेरे को कैक्टस लग रहा था भाई। ये ड्रैगन फ्रूट ऐसा होता है 250 रुपए किलो। देखा है ना? हाँ आंटी, मैं सोचा ये कैक्टस होता। नहीं जला वोला दबी तो ये है। अच्छी भी जला ना हमारे पेट में, घर में जल गया ना। किससे? गर्म पानी से। ये लगाते लगाते ठंडा हो गया। इधर में बड़ा वाला एक ठू दो ठू है। पहला में पानी नहीं हुआ, पानी थोड़ा लगता है ना इसको। पानी ज्यादा मांगता है? इनके देश में तो होगा। देखा गुजरात है ना। ये कितने दिन में बड़ा हो जाता? ये अभी तो ये सब बड़ा हो गया अभी। ये भाई ना है। ये पूरा पूरी 2 महीना माफी के लिए। 2 महीना माफी। राजस्थान में तो ऐसा नहीं लगता। राजस्थान में देखा नहीं है ना? क्या नहीं है? राजस्थान में गर्मी बहुत होता ना, इसलिए नहीं होता। देखने में तो मस्त होता ना। जेस्टी मीठा भी नहीं है। ब्लड के लिए अच्छा है। ब्लड के लिए, ब्लड के लिए ना, ब्लड बनाता है, टेस्टी होता। और ये है अपने बेबी के फादर। आपका पापा कितना हैंडसम होता था। आपका लव मैरिज हुआ था अरेंज? हाँ लव मैरिज। ओह हमारा हमारा फोटो है। हाँ हमने देखा ये वाला ना। हाँ पहला में हम इतना। ये कब का फोटो है ये वाला? ये शिकार के ऊपर जाता था? ये शिकार नहीं, ये तो ये क्या बन चले लोकल आर्मी है इनका। कौन सा? जैसे मैंने बोला था ना पहले तो इंडिया आर्मी और मिजोरम MNF मिजो नेशनल फ्रंट। ओके हाँ इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता था। हाँ, तो उस टाइम में वो भी था ना मिजोरम आर्मी में। हाँ। अभी वाई ए कौन सा चल रहा है अभी? वाई ए में तो इधर का एसोसिएशन ही है। ओके वो क्या काम करता है यहाँ पे? यंग सोसाइटी के लिए वो लोग। सोसाइटी के लिए। अच्छा सभी फोटोज में गन ले रखा आपने ना। कैसा था आपके पापा? ऐसे नॉर्मल थे या डेंजरस थे? नॉर्मल है, बहुत साइलेंट वाला है। ओके फोटो देख के तो लगता है अभी मार देगा। तो अब उठाते हैं अपने बैकपैक्स क्योंकि शाम के 4:30 हो चुके हैं और यहाँ से अपने को पकड़ना है अभी ट्रक। कहाँ के लिए जाना? कहाँ पे अपने को? सिलचर। तो क्योंकि यहाँ से जो ट्रक वगैरह चलते हैं वो टर्मिनल से मिलेंगे और जो आसाम वाली फ्लड्स आ रखी है उनके कारण रास्ते का हाथ बहुत ज़्यादा बुरा है, उस वजह से बस वगैरह चलती नहीं है। और वैसे भी ट्रक में जाते हैं तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके ची भाई हम नेक्स्ट टाइम आएगा तब आप बड़े हो जाना। ओके आंटी। अच्छा अच्छा ची भाई। ची भाई। नो नो ची भाई। बाय बाय। बाय चलता। बाय 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 करना। ओके ओके अच्छा बाय बाय। अच्छा से जाना। चलो भैया जाने का दिन आ गया। आराम से आराम से। I'll miss you. तो अभी जा रहे हैं हम सीतू की दुकान पे क्योंकि जो अपनी जोजो थी उन्होंने बोला था कि सीतू के पास जाना, वो आपका जुगाड़ करवा देगी सिलचर के लिए ट्रक पकड़ने के लिए। मेरे को जोजो ने भेजा आपके पास कि सीतू को बोलना वो टर्मिनल से पता करके आपको बताएगा कि सिलचर के लिए ट्रक मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये भी यहाँ का ट्रक टर्मिनल और यहाँ से हर जगह के ट्रक मिलते हैं तो ट्राई करते हैं अपने को सिलचर का भी मिल जाना चाहिए।
और जो ट्रक वालों का टर्मिनल बना ये बनाया इसलिए क्योंकि आपका जो मिजोरम है ये पूरा ड्राई स्टेट, तो यहाँ पे अगर आपको दूसरे स्टेट से नशे पत्ते की चीज़ या दारू लेके आते हो तो उस चीज़ का चेकिंग होता है, एक्साइज एंड नारकोटिक्स आउटपोस्ट। यहाँ पे भी दारू का चेकिंग चल रहा है। किससे पूछो, किससे पूछो दादा, यहाँ से सिलचर का कोई ट्रक जाता, सिलचर के लिए कोई ट्रक जाता? हाँ जाता है, मतलब खाली जो ट्रक जाएगा वो सिलचर के लिए जाएगा। अंदर पता करना, अभी फिलहाल देख लेंगे। हाँ दादा, कोई सिलचर के लिए ट्रक जाएगा? पता नहीं कौन गाड़ी जाएगा, ज्यादा है गाड़ी। भाई साहब सिलचर जाएगा? हाँ सिलचर नहीं, कौन सा गाड़ी जाएगा सिलचर आपको मालूम है? मालूम नहीं, नहीं। भाई पूरे इंडिया से ट्रक लगे यहाँ पे, मिजोरम आंध्र प्रदेश। अन्ना सिलचर जाता? नहीं जाता, हम रुकता है इधर। रुकता है यूपी का भी ट्रक है भाई, लेकिन कोई बंदा नहीं बैठा दिख रहा। ये ट्रक भी लोडेड है, ये नहीं जाएगा नागालैंड का। सो रहा है भाई। मतलब सिलचर के लिए अपने को कोई ट्रक ढूंढना है तो खाली ट्रक देखना पड़ेगा, ये सभी लोडेड ट्रक हैं क्योंकि नीचे से माल लेके आते हैं, नॉर्थ ईस्ट में डिलीवर करके नीचे निकल जाते हैं। दादा सिलचर जाता? कौन जाता आपको कुछ मालूम होता? सिलचर आपको जाना? हाँ हाँ, तो आपको जाना तो कोई ट्रक वाला जा सकता है अगर सपोर्ट करेगा तो। ये महाराष्ट्र से है भाई, वैरायटी यहाँ पे बसों से ज़्यादा ट्रक टर्मिनल में मिलेगा ऑल इंडिया। दादा कोई सिलचर जाने वाला होता आप में से? नहीं कोई, सिलचर से आया। अच्छा तो हम लोग आए हैं भाई। अच्छा अच्छा, अभी इधर ऊपर जाना है। ऊपर जाना है, राजस्थान का ट्रक मिल गया भाई। भाई साहब कठो राजस्थान हो गया भाई जी, सिलचर जानो यार मैंने साइकिल का। भाई लेके जाएगा शायद अपने को, सिलचर जानो जासे होगे ले जासे हो। तो फाइनली आधे एक घंटे सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद अपने को यहाँ से गुवाहाटी जाने के लिए डायरेक्ट ट्रक मिल गए, लेकिन जो ट्रक है वो जाएगा रात को 12 बजे के तकरीबन, क्योंकि पहले अनलोड करेंगे भाई साहब और उसके बाद निकलेंगे। अपने गुवाहाटी कब तक पहुँच जाएगा? कल दिन में 2-3 बजे तक। ठीक है, आपका क्या नाम होता है दादा? संजीव बसा मोटरी बोडो होता, बोडो भाई हेलो। बोडो हमारा दोस्त होता है। ठीक है, हम आपको कांटेक्ट कर लेगा। ठीक है 12 बजे इधर रोड के ऊपर ही मिल जाएगा। ठीक है दादा, तो अभी जा रहा हूँ मैं वापस घर के ऊपर, और लोग क्या सोचेगा यार ये साला जाएगा या नहीं जाएगा। ऐसा सोचेगा ना। हम आ गया, हम नहीं जाता। हमको एक मिजो लड़की मांगता, इधर ही शादी करता। क्या गाड़ी लेट हो गया? नहीं रात को 12 बजे होता गाड़ी। सलमान खान बहुत लंबा है ना, तो बहुत लंबा। तो अभी हम दीदी के घर से निकल के सुबह, अरे भाई लंबा आदमी है। तो उन दीदी और के घर से हम लोग रात को नहीं निकल पाए थे क्योंकि रात को आपको पता है वहाँ पे पेट्रोल पंप के आसपास कितना जाम रहता है, अपना ट्रक वाला वहीं पे फंस गया था। फिर सुबह निकले थे हम लोग उनके घर से, तो जो ट्रक वाला था उसका ट्रक खराब हो गया रास्ते में, फिर उन्होंने हमें डायरेक्ट सिलचर तक भी नहीं छोड़ा, बीच रास्ते में छोड़ दिया। और सिलचर यहाँ से बचा होगा तकरीबन 100 किलोमीटर, तो हम लोग यहाँ पे सड़क के सामने से जा रहे थे तो हमें मिल गए। भाई साहब आपका नाम भूल जाता मैं, भोया 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 भाई, भोया भाई। तो ये भाग के आए, भाग के आए, भाग के आए, और एक सेलिब्रिटी जैसे मेरे को बोलो तुम तो बड़ा लंबा होता।
फिर अपने को मेरे को अपने घर में लेके आ गए। बोले तुम बिल्कुल यस के जैसा लगता है। यस यस कौन सी फिल्म में देखा? KGF। कोई भी बंदा आ रहा है गांव से, मतलब हम बाहर के लोग हैं तो यहाँ पे ऐसे होता है कि कोई बाहर वाला आता है तो सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं मिलने के लिए। राजस्थान से यहाँ पे कोई बंदा है, यही है तो मैं यही बता रहा था, ये सबको इनवाइट कर रहे हैं कि इतना लंबा लड़का है पास में खड़ा होके उसको कंपेयर करता है। ये गांव का सबसे लंबा भाई है, ये भी इन्होंने आपने बुलाया है इसको? लोते उसे देखा तो रहा हूँ। हाँ हाँ कौन होता लंबा? अच्छा फिर नंगमा जैसे सबसे गांव का ये लंबा है। लंबा है, मैं शर्म लगता है आप लोग का साथ में नहीं रहेगा। हम साथ में रहेगा हम भाई भाई। हिंदी मालूम नहीं? तुम भी निकालता कौन होता लंबा? नहीं एक ही है, एक ही है, एक ही है, एक ही है। थोड़ा आप आप थोड़ा झूठ बोलते है। क्या झूठ बोलता है? छह फीट आप 3 इंच बोलते है उसे नहीं है। तुम्हारा कितना हाइट पता नहीं? इनको पता नहीं हाइट कितना होता? आपके पास वो होता ए, ए, ए मीटर मीटर नापने वाला फिता फिता आ इशां चाले इनसे रिंग से ए दिशा में मैं पाही रुकिन तो दा दिस तो नहीं रोटन व्हाट इज इन माय दिस रुकिन ची तुम से कहना वा हां ठीक है इनसे से इनसे से हमको छोड़ देता वाली हम लंबा होके गलती कर दिया। हां खेलो खेलो ठीक चलो मालिक अभी कहाँ पे जाएगा? हमारा कितना हुआ फिर? आप बोला था 3 इंच बोले ना, तो हमारा कितना है फिर आप बताओ? मालूम नहीं है उसके। हम इसके बराबर होता? बराबर का जैसा है देखो। बराबर होता है या नहीं होता? एक ही है, पैर भी एक ही है, हाथ मापो हाथ 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 सेम उंगली मापो उंगली 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 भी सेम है। और कुछ ना निकलवा ले अपना। इनका क्या नाम होता? वीरू वीरू वीरू। और वो ते बेरी बेरी ते बेरी ते बेरी वीरू ते बेरी ते बेरी। यार आपको मिजोरम के अंदर ना मतलब हर घर के अंदर कुत्ते देखने को मिलेंगे, यहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे, या फिर जो भी गली में घूमते हुए भी मिलेंगे वो किसी ना किसी ओनर मिलेगा आपको, नो स्ट्रीट डॉग्स। और मेघालय में इससे बिल्कुल ऑपोजिट था, लोगों के घर पे कुत्ते बिल्कुल नहीं थे, ओनली बिल्ली। लेकिन यहाँ पे बिल्ली भी होता है कुत्ते भी होता है। ते बेरी वीरू वीरू वीरू। और ये अपने भाई की वाइफ। आपका क्या नाम होता? माँ नहीं माँ नहीं माँ नहीं इफेल लुतुक इफेल लुतुक कलाओ में थैंक यू कलाओ में लुतुक है थैंक यू वेरी मच। हाँ तो भाई अपना खाना जो है वो लग चुका है, देखो कितना कुछ बना दिया भाई लोगों ने अपने लिए। ये जो भाई हैं अपने, ब्रदर व्हाट इज योर नेम? माला माला। और ये अपने माला भाई, ये क्या एक्चुअली राजस्थान में रहे हुए हैं तो
जब उन भाई साहब ने बताया कि मेरे घर पे ऐसे राजस्थान से गेस्ट आ रखे हैं, तो ये आए और इन्होंने इनको बताया कि राजस्थान में चावल नहीं रोटी खाते हैं, इनको पता है। आप कितने टाइम रुका था राजस्थान? 3 साल जैसा। 3 साल जैसा। तो भाई अपने लिए गए, आटा लेके आए शॉप से और फिर स्पेशल रोटी बनाए अपने लिए। देख लो यार, इतना मेहमान नवाजी कहाँ मिलता है, अपने घर पे भी नहीं मिलता जितना मिजोरम में मेरे को मिल रहा है। कलाओ में लो तो कलाओ में तो खाने में अपने अभी बम्बू, ये बॉइल्ड फिश और वो यहाँ का कोई लोकल सब्जी है हरा, और ये कुकुम्बर। तो हम अभी खाना खाने वाले थे लेकिन भाभी ने अपने को रोक दिया, बोला कि एक मिनट रुकने का। मैं सोचा क्या कुछ प्रेयर वगैरह करेंगे, लेकिन ये प्रेयर हो रहा है भाई। ये बिल्कुल इन लोगों के कल्चर का पार्ट है, मतलब आदमी औरत बच्चे नहीं बोलूंगा मैं, करते हैं लेकिन बोलना सही नहीं है इसके ऊपर। हर कोई मतलब स्मोक ड्रिंक एवरीथिंग इज नॉर्मल, जस्ट लाइक द वेस्टर्न कंट्रीज। बहुत ज्यादा अपग्रेडेड है यार ये लोग भी। यू लव मैरिज? लव मैरिज? हर बंदा लव मैरिज किया हुआ मिलेगा यहाँ पे, कोई अरेंज मैरिज वाला सीन चलता ही नहीं है भाई। यू लव मैरिज? नो मैरिज? नो मैरिज। यू? नो मैरिज? नो मैरिज। एंड वीरू लव मैरिज? तो जानू आदमो लिव इन में रहता है, लिव इन में। थैंक यू भाभी, कल लाओ में लुतुक के भाभी। चीयर्स चीयर्स फॉर टुनाइट। यस बॉस। यस। नो हमारे पास मछली होता, ये रहा पता। यू तुम ये खाता, तुम्हारा खाना ये है। हाँ चैलेंज मांगता। थैंक यू भाभी। जब इन लोगों से पूछता कि सिलचर कितना दूर होता, तो ये कैसे जवाब देता? 200 किलोमीटर। नहीं नहीं ऐसे नहीं, एक्सप्रेशन। ये विलेज टोल, ये सेकंड टोल मैन। सो सेकंड टोल मैन, इसके लिए भी आना पड़ेगा। तो खाना पीना आप लोगों का अच्छे से हो चुका है और अब चल रही कुछ प्यारी प्यारी बातें। मैं भी ये क्या है मेरा, मैं भी ना उसका पास में रहता है ना। ओ ना ये प्यारी क्या बात करेगा, प्यारी है ना मेरा भाई। मेरा भाई, भाई भी करेगा मेरा भाई। आपके यूट्यूब के चले क्या नाम है? हाँ मैं आपके फोन में डाल देगा, ठीक है ना। और तनु चढ़ गई है। बताए देखो, हम आपके गेस्ट हैं ना हम आपका। हाँ। उसने हमारे लिए रोटी नहीं बनाया। नहीं बनाता है। रोटी खाई देती है अपने को, आधा घंटा हो गया भाई। लेकिन ये रोटी बनवा के छोड़ेगा अब। रोटी नहीं बनाया इसको, इधर ले गया था। नो, इट्स गोइंग टू बी सीरियस। खिला दिया भाई, खिला दिया, इसको छोड़ दो, खिला दिया, हमने खा लिया रोटी, खा लिया। ओके अच्छा से ओके। थैंक यू ब्रदर। ततक मो ठीक है। यस भाई भाई ओके। गुड नाइट। कल सुबह मिलता है। ठीक है ठीक है। अच्छा मजा आया आपके साथ, एंजॉय किया। हाँ हम उड़ लेगा, खुद से उड़ लेगा। ये भाई का साथ में ना अच्छा से प्यारी से करो। मो प्यारी से मो ओ बदली होता है ना। अच्छा दूसरा तरफ उठा दिया क्या?
चप्पल यहाँ पे रखा है, देख लिया हमने। घर में एक चुमो। ओके ओके सब मो। ठीक है मो, गुड नाइट। अब तुम सोता जाओ, ठीक है। नंबू भाई मो, छोटू भाई मो, छोटू भाई मो। मैं भी छोटू है, मतलब छोटू भाई बोलने से क्या बुरा मन मान। ये लंबू है आप, वो दो आदमी आता है ना, तो उसमें तो कुछ बोलना है ना। वो लंबू होने से आप तो छोटू बोलने। मैं भी तो छोटू है, हम एक साथ है। हाँ, उसमें तो बुरा मन मान। लंबू भाई, छोटू भाई बोलने से बुरा मन मान। सो जाओ वो अच्छा से। हाँ ठीक है, ओके। मैं भी छोटू हूँ, आप भी सो जाओ अच्छा से। देखो आलू का चप्पल, हाँ चप्पल देख लिया इधर पे होता। ठीक है, ये पहन लेगा। हाँ सामने वॉशरूम होता, देख लिया हमने। देख लिया, देख लिया। अच्छा अच्छा, यूट्यूब आया लंग दो ने। हाँ, यूट्यूब में देखेगा, देखेगा क्या यूट्यूब में वो चैनल क्या होता है। हम कल सुबह जब आपका उतर जाएगा ना थोड़ा दारू, तब आपको बताएगा, आपके पेपर पे लिख देगा, ठीक है। अरे देखो कहाँ छिपा हूँ रो, देखो कहाँ दिया बोला चलो कहाँ मो। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ ओ बेटे ठीक दंगा सेंट के कहीं लेने हैं। तेरा ना भाई गुड नाइट। आई फेल लुतुक, आई फेल लुतुक, हेलो लुतुक, नमो नमस्कार मो। अब जाता सो जाता, हाँ बॉडी अच्छा होता। सुबह में पंजा लड़ाएगा, सुबह में पंजा लड़ाएगा, सुबह में, ठीक है। तो फाइनली भाई अपने बेडरूम में गया, तो दो घंटे के बाद में भाई ने कुछ ज्यादा ही पी लिया, तो ज्यादा हो गया। तो अपना प्लान तो आज ये था कि अपने गुवाहाटी निकलने का, बट यार अपने कुछ कर नहीं सकते, अपना ट्रक जो था वो खराब हो गया, बीच रास्ते में उतरना पड़ा, और फिर हमें ये स्वीट वाले भाई साहब मिल गए। तो कल सुबह हम लोग निकले यहाँ से सिलचर के लिए, और सिलचर में यार कुछ ज़्यादा ही डेंजर सिचुएशन हो रखी है, आपको भी पता होगा। अभी फ्लड का सीन हो रखा है पूरा, ये वीडियो का पता नहीं कब आएगा या नहीं आएगा। अभी का आज का जो तारीख है वो 28th of June, और सिलचर में यार बहुत डेंजरस वाला सीन हो रखा है, द फ्लड्स ऑफ आसाम। ये वीडियो तो पता नहीं कब आएगा, लेकिन आज का जो डेट है वो 30 June, तो उस हिसाब से आपको भी पता होगा इस टाइम के आसपास पूरा सिलचर पानी से भरा पड़ा है, और जो लोगों के पास खाना पीना है वो भी हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जा रहा है। तो कल जाके देखते हैं रियल में सिलचर का कैसा हाल है, कैसा अपना एक्सपीरियंस रहता है। तू फिर आ गया। भाई फिर से आ गया, और इस बार भाभी आई है इनको लेने के लिए। इनको इनको आप लेके जाता। और भाई एक चीज बताता हूँ मैं आपको, मेरे को मिजोरम में एंट्री के आज 10 से 11 दिन हो गए, और यहाँ पे लोग कितना अच्छा है इसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हो। मेरे को एक दिन भी टेंट लगाने का जरूरत नहीं पड़ा मिजोरम के अंदर। जब ऐसा लोग मिलता है तो कहाँ पे टेंट लगाने का जरूरत मिलेगा। लुतुक Talking, all I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail.